तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कि जैसे कि चेहरे पे जब दाग या झाइयाँ या पिंपल जब निकलते हैं तो उसमें जो खुजली होती है उस समय हमें कौन सा पेस्ट लगाना चाहिए, कौन सा हमें नुस्खा लगाना चाहिए, आज वही हम आपको करके लगा के दिखाएंगे। तो हमें सबसे पहले फ्रेंड्स चाहिए, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच आटा लिया है, गेहूँ काटा है, और यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। मैंने इसमें 1/2 कप गाय का कच्चा दूध लिया है, ये ग्रीसलीन है। अब इन सबको एक ही में डाल के मैं मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सबको एक ही में ऐड करके मिक्स कर लिया है। देखिए, मेरा मिक्सर तैयार हो गया। इसमें गेहूँ काटा है 2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, दूध है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीसलीन डाला है। ये सब करके मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको मैंने अपने इसको चेहरे पर लगाऊँगी। आप इसको लगाएंगे तो इससे जो आपके चेहरे पर के जो काले दाग हैं, पिंपल है, झाइयाँ हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। खासकर ये बात है कि जो चेहरे पर खुजली होती है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसको आप अपने उंगली के सहारे से भी लगा सकते हैं, या फिर अगर के पास लगाने वाला कॉटन का कपड़ा या रुई सॉफ्ट कुछ भी है तो उससे भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको लगाते हैं। इसको ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। जहाँ जहाँ आपको पिंपल है वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिएगा। देखिए, ऐसे ऐसे करके लगाइएगा। लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल है, दाग है, खुजली होता है तो आप इसको आजमा कर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। जो आपके घर में, आपके किचन में जो सारे सामग्री उपलब्ध है उसी सबसे आपके ठीक हो जाए। खासकर ये बात है कि अगर आपके चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे लगा ली। इस नुस्खे को अपने चेहरे पर लगाते समय कम से कम ऐसे ऐसे से आपको 2 मिनट तक ले ऐसे मसाज करना है ताकि आपके चेहरे के पूरे नमी अंदर तक चली जाए। ये नुस्खा आपको बहुत ही फायदा करने वाला है फ्रेंड्स। और सबसे बात यह है कि आप इसको अपने हाथ पर भी लगा सकते हैं। जो अगर आपके हाथ में कालापन है या जो उंगलियों के ये सब जो कालापन हो जाता है, ये सब निशान, ये गुठी, वो भी साफ़ हो जाएगा। आप अपने हाथों में भी लगा सकते हैं, जो पैर की गुठी है वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा लिया। आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर इसको सादे पानी से धो लूँगी। सब इसको धो के मैं आती हूँ। 10 मिनट हो गया। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गया, मैंने धो के देखी आ गया। धोने के बाद मैंने इस कॉटन के तौलिया से मैंने इसको ऐसे ऐसे करके पोंछ लिया है। और इसके धोने के बाद इसके एक ख़ास बात यह है कि जो चेहरे पे पिंपल्स दाग होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। जो खुजली होती है चेहरे पे वो खुजली नहीं होती, और चेहरे की चमक एक अलग ही चमक आता है चेहरे में, मुलायम हो जाता है, एकदम सॉफ्ट चेहरा हो जाता है, किसी साबुन क्रीम की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान और बहुत छोटा सा नुस्खा और उपाय था तो मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ, मेरे को बहुत फ़ायदा मिलता है। चेहरे पर खुजली ही नहीं होती है, पसीना ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो पसीना होता है तो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है चेहरे पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ठंडक मिलता है चेहरे पर। इसको मैं रोज़ाना ऐसे यूज़ करती हूँ अपने चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परेशानी से वो लोग अगर परेशान है तो इसका भी फ़ायदा वो लोग उठा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अलग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।